नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक को लेकर स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सिब्बल ने कहा हाई कोर्ट नहीं दे सकता स्पीकर को आदेश। सचिन पायलट कैंप की याचिका पर फैसला राजस्थान हाई कोर्ट में कल, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का आरोप, कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी ने बहकाया, कहा सरकार को नहीं कोई खतरा, जल्द होगा विधानसभा का सत्र। और राज्य में नहीं थमा है कोरोना का खतरा, आज सुबह तक आए नए 339 केसेस, जोधपुर में सबसे ज्यादा केसेस। तो राजस्थान में अभी भी घमासान मचा हुआ है। स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया कि वो बागी विधायकों के खिलाफ मामले में हाई कोर्ट का फैसला करने से नहीं रोकेगी। वहीं इस मामले में हाई कोर्ट कल फैसला देगा। इधर पायलट कैंप की ओर से विधायक पृथ्वीराज मीना ने हाई कोर्ट में केंद्र सरकार को पार्टी बनाए जाने की अर्जी डाली है। वहीं इस बीच खबर ये है कि राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को बुलाया जा सकता है। वहीं बीजेपी की ओर से बार बार ऐसे आरोप लगाए जाने के बाद कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल में बंद कर दिया है, ऐसे में ना सिर्फ मंत्री बाहर निकले बल्कि कामकाज में भी हिस्सा लिया। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की बगावत का मामला अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, जहां हाईकोर्ट में कल सुबह 10:30 बजे सचिन पायलट और दूसरे 18 विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई सोमवार को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान स्पीकर की हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग ठुकराई। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई करेगा कि क्या हाईकोर्ट स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानून के बड़े सवाल पर विचार करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ये कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाएगा, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। वहीं आपको आज सुप्रीम कोर्ट में 8 क्या बड़ी बातें हुई ये आपको बताते हैं। पहली, जस्टिस अरुण मिश्रा ने सिब्बल से पूछा क्या लोकतंत्र में असहमति को बंद किया जा सकता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस पर सिब्बल ने कहा स्पीकर के फैसले करने तक कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, अभी तक स्पीकर ने कुछ तय नहीं किया है लिहाजा वो याचिका हाईकोर्ट में दाखिल नहीं कर सकते थे। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि विधायक ये कहते हुए याचिका दायर नहीं कर सकते कि स्पीकर उन्हें नोटिस जारी नहीं कर सकते। सिब्बल ने यह भी कहा कि लोग विधायिका बैठक में शामिल नहीं हुए और अपनी ही सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहे थे। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि ये स्पीकर से संबंधित नहीं है क्योंकि ये पार्टी की मीटिंग है, पार्टी की मीटिंग के लिए व्हिप ने जारी किया। जिस पर सिब्बल ने कहा हाईकोर्ट का आदेश सचिन पायलट और दूसरे 18 विधायकों को प्रोटेक्ट करता है, हाईकोर्ट इस स्टेज पर प्रोटेक्शन का आदेश जारी नहीं करता। जिस पर जस्टिस मिश्रा ने सिब्बल से पूछा क्या आपको हाईकोर्ट ने इस पॉइंट पर नहीं सुना, आप ये बताइए कि किन आधारों पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि हितों का फैसला साफ है करता है कि नोटिस के स्टेज पर कोर्ट दखल नहीं दे सकता है, स्टेज पर कोई सुरक्षात्मक आदेश नहीं दिया जा सकता है। इसी पर बातचीत और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी से। संजय जी, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है और उसने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाएगा, इसको किस तरह से देखा जाए? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये प्रेसिडेंट है, पहले तो ये आर्टिकल 102 में ही लिखा हुआ है कि स्पीकर का जो फैसला है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, और उसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ये बोल दिया था कि जब तक फैसला नहीं हो तब तक कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, फैसले को रिव्यू किया जा सकता है। दूसरा जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की या डिसेंट की, तो और उनका ये कहना है कि अगर इस तरह से अयोग्य घोषित किया जाए तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट से ये भी तो पूछा जाना चाहिए कि जो लोग अपनी सदस्यता इस तरीके से वॉलेंटरली गिव अप कर रहे हैं या सरकार गिरा रहे हैं तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप अलग अलग मापदंड बना करके चलेंगे, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक अभी तक हमने देखा नहीं है
कि कोर्ट अपनी ही किसी लार्जर बेंच के फैसलों को इस तरीके से इग्नोर करे। आज तक जो भी होता आया है, बल्कि एक हाई कोर्ट में अगर कोई फैसला होता है तो वो भी दूसरा हाई कोर्ट नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। जी, तो संजय सर, अब स्पीकर के पास क्या विकल्प है, मतलब कि या वो तो कल के हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, उसी के बाद कोई एक्शन लिया जाए उनकी तरफ से? देखिए, स्पीकर ने तो खुद ही अपने हाथ काट लिए थे। उनको पहली बार में ही जब ये विधायक गए थे हाई कोर्ट में, उस वक्त ही इग्नोर करना चाहिए था हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट ने भी जो अपना 21 तारीख को जो फैसला दिया उसमें उन्होंने लिखा था कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस रिक्वेस्ट को तो इग्नोर कर देना चाहिए था। ये रिक्वेस्ट ही तो थी, कोई ऑर्डर तो था नहीं। और अगर ऑर्डर दिया है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में आप उसको चैलेंज करने गए हैं। तो अब जब आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो जब तक आदेश नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट से, कल के आदेश से कोई मायने नहीं है हाई कोर्ट जो भी कहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाई कोर्ट जो भी फैसला देगा दैट विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट इज बीइंग डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब तक कुछ नहीं करेगा स्पीकर अब क्या कर सकते हैं उसमें कुछ। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उससे विस्तार में जान लेते हैं। हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, आज स्पीकर की याचिका पर जो सुनवाई हुई और जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, ये जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, हालांकि अंतरिम आदेश जारी करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और हाई कोर्ट के जो सुनवाई चल रही थी हाई कोर्ट में उस पर किसी भी तरह के रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ट्रांसफर पिटीशन को ट्रांसफर करने की मांग को भी खारिज कर दिया। लेकिन सबसे जो अहम बात यह है कि जब सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो उस दिन की सुनवाई काफी अहम होगा, क्योंकि कल जो फैसला आएगा उस फैसले को आधार बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यह तय करेगा कि स्पीकर अगर नोटिस जारी करते हैं तो क्या हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है कि स्पीकर द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करें। इसमें काफी लंबी सुनवाई की जरूरत है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी कहा, कपिल सिब्बल बार बार यह कह रहे थे कि स्पीकर के पास अधिकार है, वो कार्रवाई कर सकते हैं। जब तक वो अयोग्य नहीं ठहरा देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते देते हैं, तब तक हाई कोर्ट किसी मामले में सुनवाई नहीं कर सकता है। अगर हाई कोर्ट स्पीकर द्वारा जारी इस नोटिस पर सुनवाई करता है तो जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो उसका एक उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि ये व्हिप जारी नहीं हुआ है, एक सिर्फ एक नोटिस है जिसका जवाब मांगा गया था। जवाब देने के वजह इन्होंने सीधे हाईकोर्ट का किया है, यह गलत है। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई इनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं कल जो 24 जुलाई को हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसका कहीं ना कहीं असर सुप्रीम कोर्ट में जो सोमवार को होने वाली सुनवाई है उस पर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, राजस्थान में आए सियासी उबाल के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, राजस्थान की सरकार 5 साल जनता की सेवा करेगी। कोर्ट अपना काम करे, माननीय स्पीकर साहब अपना काम करे, सरकार अपना काम कर रही है, पार्टी अपना काम करेगी, सब अपना अपना काम करेंगे। और मैं समझता हूँ क्या होगा, कहाँ होगा, किसका क्या फैसला आएगा, इसकी हमें चिंता नहीं है। षड्यंत्र हारेगा और प्रजातंत्र जीतेगा। कोई प्रेशर नहीं है, वो अपना काम करें जिनके लिए जाने जाते हैं, वो किसी के छापे डलाएं, इनकम टैक्स वालों को भेजें, ईडी को भेजें। ये राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता इन लोगों से डरने वाली नहीं है। चलिए स्वराज राजस्थान में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉरपोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉरपोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान में कांग्रेस की बगावत का मामला अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, जहां हाईकोर्ट में कल सुबह 10:30 बजे सचिन पायलट और दूसरे 18 विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाएगा, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई सोमवार की तय की है। तो कल होने वाली है अहम सुनवाई और फैसला। जुड़ते हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, कल हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी है, लेकिन उससे पहले कल देर रात एक याचिका दायर की गई थी पीआर मीणा की तरफ से। उसमें यह कहा गया था कि भारत सरकार को भी इसमें पक्षकार बनाने की बात रखी थी उन्होंने सामने। तो ये जानना चाहेंगे, क्या हाईकोर्ट के फैसले से पहले इस याचिका पर सुनवाई होगी, किस तरह से रहेगी कल हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स? देखिए, अब ऐसी संभावना बन गई है कि जो याचिका लगाई गई थी भारत सरकार को पक्षकार बनाने की, तो इससे अभी मामले को लेकर एक संशय हो गया है कि कल फैसला आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि परसों जब 21 तारीख को जब कहा गया था कि इसका फैसला जो है 24 तारीख को आएगा, लेकिन कल जो याचिका और लगी थी उसके बाद आज हमने देखा थोड़ी देर पहले कि जो राजस्थान हाईकोर्ट की जो वेबसाइट है उसमें यह केस दोबारा से लिस्टेड हुआ है सुनवाई के लिए। कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पर सीधा फैसला आने के बजाय पहले सुनवाई होगी। लेकिन अभी यह अभी संशय बना हुआ है कि सुनवाई होने के बाद में क्या कल शाम तक फैसला आ जाएगा या सुनवाई का दौर चलता रहेगा और बाद में फैसला आएगा, यह अभी संशय बना हुआ है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल से और बाकी से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी यह तय नहीं है कि कल के दिन में ही इसका फैसला आ जाए। अभी स्पीकर साहब खुद जो उनके पैनल के जो वकील हैं उन सभी से भी चर्चा कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो यह तय है कि पहले कल इस केस में सुनवाई होगी और फैसला शाम तक आएगा या नहीं आएगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। तो अभी संशय है, थोड़ा इसको क्लियर होने में टाइम लगेगा कि 10:30 बजे पहले ये जो याचिका दायर की गई है पीआर मीणा की तरफ से उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद ही हाईकोर्ट फैसला देगा। बढ़ते हैं आगे। कल पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बात की। गहलोत ने कहा कि यह दुखद है कि जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं और बहुत जल्दी विधानसभा का सेशन बुलाकर बहुमत साबित किया जाएगा। गहलोत ने अमित शाह और पीएम मोदी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि जांच एजेंसियां किसके इशारे पर काम कर रही हैं। जुडिशरी का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाले लोगों हम लोग हैं। हम कभी जुडिशरी में इंटरवीन नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते, ना हम लोग कभी सोचते हैं किसी को करना चाहिए। एक जुडिशरी ऐसी है जहाँ पर एक गरीब आदमी भी अमीर आदमी भी कोई व्यक्ति जाके न्याय प्राप्त कर सकता है। जब जुडिशरी में विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर देश कैसे बचेगा? आप लोगों ने सरकार भंग कर दी, टॉपल कर दी मध्य प्रदेश की, उसके पहले हो चुकी थी कर्नाटक की। हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से आप सरकार को टॉपल कर दो। जब लोगों के जीवन बचाने का संकट हो, जिंदगी जा रही हो, लोग मर रहे हैं, 500 लोग यहाँ भी मर चुके हैं, हजारों मर रहे हैं देश के अंदर, उसके अंदर आप राजनीति करो, सरकार बदलो, टॉपल करो, जनता इनको माफ नहीं करेगी, ना देश की ना प्रदेश की। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सही बताया है। हालांकि तंज कसते हुए कहा कि कुछ उम्मीद मत रखिए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अशोक जी, आपने सही व्यक्ति को सही पत्र लिखा है, लेकिन इनसे मुझे तो कतई कोई उम्मीद नहीं है। देखते हैं, यदि पत्र का एक्नॉलेजमेंट भी आ जाए तो मुझे आश्चर्य होगा। आपने तो देखा है कैसे मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी काम करती रही है। बातचीत और चर्चा के लिए जुड़ते हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी से। संजय जी, जैसा बीजेपी पर कई राज्यों की सरकारें आरोप लगाती रही हैं कि चुनी सरकारों को गिराने का काम करती है ये पार्टी, उस दौरान जिस तरह से पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है राजस्थान में, सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी को ये चिट्ठी लिखने के बारे में आपका क्या कहना है? क्या इसकी जरूरत थी? देखिए, वैसे तो दिग्विजय सिंह जी का कहना सही है कि कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये चिट्ठी जो लिखी गई थी वो 19 जुलाई को लिखी गई थी, और जहाँ तक हमें पता है अब तक इसका कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आया है। जवाब देना तो दूर की बात है, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने इसका कोई संज्ञान लिया होगा।
इसलिए जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आपने ये चिट्ठी लिखी क्यों, तो उनका कहना था कि कल ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री कहे कि भाई मैं इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ था कि क्या चल रहा है। तो मैंने उनके ध्यान में लाने के लिए ये बात लिखी है। और वैसे हम जानते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो जनता में एक चीज़ उसको जानकारी मिलाने के लिए, एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए होती है कि देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। असल में ये चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं थी, ये चिट्ठी प्रदेश की जनता के लिए थी। क्योंकि जब ये चिट्ठी अखबारों में आई तो उससे जनता ने ये जाना कि वो बता रहे हैं कि किस किस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए, और उन्होंने मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री तक को इस बारे में बताया है। तो उसके बाद जनता फैसला ले कि देखे कि प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की है या नहीं। तो ये बेसिकली जनता के लिए थी, प्रधानमंत्री के लिए नहीं। जी संजय जी, आज जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से फैसला आया, अब कल हाई कोर्ट पर सबकी नजरें हैं, उस पर एक छोटा सा आपका विश्लेषण चाहूंगी कि राजस्थान की राजनीति में आए दिन नए मोड़ आ रहे हैं, तो अब आगे चल के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो कल जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा, उससे ये जो राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए, इसमें एक बहस तो शुरू होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आज हुई भी है। हमारे चैनल पे भी बहुत से जो कानूनी विशेषज्ञ आए हैं, उन्होंने खुलकर बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और अब एक बहस शुरू होनी चाहिए जिसमें न्यायपालिका और जो विधायिका एग्जीक्यूटिव है इनके जो डिफाइंड रोल्स हैं वो और क्लियर हो जाने चाहिए। और जिस तरीके से ये जो अतिक्रमण हो रहा है विधायिका के कार्यक्षेत्र में न्यायपालिका का, उस पर रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बहस है और ये अब इसके ऊपर चर्चा शुरू होनी चाहिए। और जिस तरह का सजेशन हमारे यहाँ पर कई कानूनी विशेषज्ञ देखे गए, जैसे एक ट्रिब्यूनल बनाने का कि बजाय स्पीकर के हाथ में ही अधिकार छोड़ने के विधायकों को अयोग्य ठहराने का, ये इस तरह के जो फैसले हैं उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाने का जो आइडिया दिया गया है, उस पर भी अब बहस होनी चाहिए और कोई ना कोई हल इसका जरूर निकलना चाहिए। जी शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे। इधर राजस्थान में सियासी संग्राम के बीच विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि लगातार 14 दिन से राज्य के विधायक होटल में बैठकर कैरम और युद्ध खेल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि लगातार 14वें दिन भी सरकार अदृश्य है। चुने हुए विधायक जो कस्टोडियन है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के, वो 5 सितारा होटल में खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, और किसान टिड्डी की मार से लुट रहा है। मानसून मेहरबानी हुआ, सूखे की ओर राजस्थान अग्रसर हो रहा है। पीने और बिजली का पानी के गायब होने के कारण गांव के अंदर हाहाकार मचा है। लोग कोस रहे हैं कि उन्होंने किस सरकार को जन्म दिया जिसकी जन्म घुटी अंतर्द्वंद से प्रारंभ हुई थी। और इधर बीजेपी के आरोपों के बीच गहलोत सरकार के मंत्रियों ने अपने ऑफिस पहुंचकर कामकाज संभाला। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कामकाज संभाला। चलिए बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। एक तरफ जब देश में आर्थिक मंदी का असर है, वहीं छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। छत्तीसगढ़ विकास की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। ये संभव हो पाया है भूपेश सरकार की दूरदर्शी सोच के कारण। छत्तीसगढ़ शासन की नई औद्योगिक नीति के तहत उद्योग विकसित करने के लिए सस्ते दामों में जमीन मुहैया कराई जाएगी। पूंजी निवेश, ब्याज सब्सिडी और करों में छूट दी जाएगी। राज्य के मुख्य सेक्टर स्टील और सीमेंट आधारित उद्योगों को निषिद्ध सूची से बाहर किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन आवंटन की दरों को 30% कम किया जाएगा और उन इलाकों में लीज किराए की दरों को भी 2-3% सस्ता किया जाएगा। राज्य में उद्योग धंधों की स्थापना को तेज गति देने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। जिला औद्योगिक केंद्र में नए आवेदन लिए जाएंगे और फिर उद्योग विभाग की ओर से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जमीन का आवंटन किया जाएगा।
दो हेक्टेयर के इलाके में फैले और 10 साल से भी अधिक समय से प्रदेश में काम कर रहे उद्योगों को अतिरिक्त छूट दी जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में बने गोदामों का नियमितीकरण किया जाएगा। औद्योगिक भूमि के ट्रांसफर फीस को कम किया जाएगा। जमीन के आवंटन के लिए सब लीज के प्रावधान की शुरुआत भी की जाएगी। छूट दे रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों में उद्योग लगे, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, उन क्षेत्रों में जहां अभी तक कोई उद्योग नहीं लगा है। रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एयरक्राफ्ट रिपेयर है, साथ ही ईंधन या एथेनॉल की रिफाइनरी है। इसको हम लोगों ने उच्च प्राथमिकता श्रेणी में रखा है। छत्तीसगढ़ में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बना रही है। एथेनॉल के निर्माण की योजना से लेकर गृह उद्योगों को बढ़ावा देने की सोच अब सच होती नजर आ रही है। यही वजह है कि वैश्विक मंदी और कोरोना संक्रमण के बाद थमे बाजार के बावजूद छत्तीसगढ़ में विकास की गति थमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री की दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम लोगों अभी हमारी प्राथमिकता एथेनॉल प्लांट की है और बहुत सारी लगभग 13 इकाइयां छत्तीसगढ़ में अपना प्लांट लगाने के लिए तैयार है। अब ये उद्योग विभाग उनके साथ चर्चा कर रहा है, एग्रीमेंट होगा, MOU होगा, उनके लिए जमीन चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार नया छत्तीसगढ़ गढ़ रही है। प्रदेश के लोगों में उम्मीद जागी है कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास में भी देश में अग्रिम पंक्ति में खड़ा नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जयपुर की एक अदालत ने राजस्थान पुलिस को उस शिकायत की जांच के निर्देश दिए हैं जिसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल 900 करोड़ के इस घोटाले में शिकायत में शेखावत के साथ ही उनकी पत्नी और दूसरों के नाम भी शामिल हैं। इस घोटाले में हजारों निवेशकों ने कथित तौर पर करीब 900 करोड़ रुपए गंवाए हैं। जयपुर SOG पिछले साल से इस घोटाले की जांच कर रही है और इस संबंध में FIR 23 अगस्त 2019 को दर्ज की गई थी। वहीं राजस्थान में खाद्य सुरक्षा से कोसों दूर बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को मदद देने का काम शुरू हो गया है जो 3 अगस्त तक चलेगा। राज्य सरकार ने इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों को चिट्ठी लिखकर निर्देश जारी कर दिए हैं। सर्वे के दौरान इन लोगों के बारे में मिली सूचना को ऑनलाइन करवाया जाएगा। ये सर्वे ईमेल, ई मित्र, मोबाइल ऐप, ग्रामीण क्षेत्र के जरिए किया जाएगा। जिन जरूरतमंद परिवारों का पहले ही सर्वे किया जा चुका है उनकी सर्वे की आवश्यकता नहीं रहेगी। वही कोरोना संक्रमण के चलते इस बार हज का सफर रद्द कर दिया गया है। इस साल प्रदेश भर से हज यात्रा के लिए करीब 8,000 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था जिसमें से 7,000 से ज्यादा लोगों को हज लॉटरी में शामिल किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस साल की हज यात्रा रद्द कर दी गई है जिसके बाद राज्य हज कमेटी सभी लोगों के पासपोर्ट उनके घर पहुंचाने का काम कर रही है। और वहीं कोरोना संक्रमण के बीच आज देश भर में हरियाली तीज मनाई गई तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसे लेकर अलग ही धूम दिखी। गुलाबी शहर जयपुर में भी महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पूजा करी और इस दौरान महिलाओं ने नाच गाकर तीज मनाई और राज परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए कई पारंपरिक रस्में भी मनाई। सुहागन स्त्रियों के लिए यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मौके पर वे झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं, खुशियाँ मनाती हैं, घेवर बांटती हैं। So, आप सभी के जीवन में और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।